नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्विंग ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे एस कार्ड के बारे में एस कार्ड में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में अभी हमें एंट्री लेना चाहिए या तो फिर जिसका पोर्टफोलियो में है वो स्टॉक को निकाल के मतलब सेल करके निकल जाना चाहिए इस वीडियो में हम बात करेंगे और फ्रेश एंट्री अगर करना है तो कौन सा लेवल पर करना है ये सारे पैरामीटर के बारे में बात करेंगे और स्टॉक गिर रहा है तो कौन सा लेवल पे सपोर्ट ले सकता है और गिर क्यों रहा है ये सारे पैरामीटर के बारे में बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल सकता है फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कल के दिन पे मतलब आज सुबह एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था ये वीडियो को जरूर देख सकते हैं जो कि डाउजन क्रास होता है उसके बाद में हमारा निफ्टी विफ्टी क्रास हो सकता है ऐसा एक वीडियो पोस्ट किया था और वैसे भी देखने को मिला कि आज के मार्केट में निफ्टी में भारी प्रेशर रहा और बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ा प्रेशर रहा तो इसी हिसाब से यहाँ पर मैंने थर्टी स्टॉक सिलेक्शन किया हूँ जो कि कभी भी मार्केट में गिरावट होता है ना ये स्टॉक को हम बिल्कुल अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं कोर पोर्टफोलियो में भी लेके चल सकते हैं स्विंग ट्रेड में भी लेके चल सकते हैं ये सारे ग्रेट कंपनीज है कंपनी में अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं ठीक है फ्रेंड्स ये वीडियो जाके जरूर देख लीजिए उसका एक नोट में आप अगर स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर किए हैं तो आपको ये सारे स्टॉक एक नोट में रिकॉर्ड करके रख लेना चाहिए ताकि ये स्टॉक आपका माइंड में हमेशा रहे जब भी गिरावट हो ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेना चाहिए चलिए बात करते हैं एसबीआई कार्ड के बारे में फ्रेंड्स अगर आज के दिन में देखेंगे एसबीआई कार्ड में टू परसेंटेज का गिरावट देखने को मिला है जो कि सेवन सिक्सटी नाइन के पास में स्टॉक ट्रेडिंग हुआ है और आज के दिन में अगर हम देखेंगे यहाँ पे निफ्टी में वन पॉइंट वन टू परसेंटेज का करेक्शन देखने को मिला है ठीक है तो इसी हिसाब से सा अगर हम बात करेंगे एस कार्ड में कौन सा लेवल हमें देखने को मिल सकता है कंपनी का फाइनेंशियली पैरामीटर एक बार जरूर देख लेते हैं फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट कैप इसका सेवेंटी करोड़ का मार्केट कैप है अगर स्टॉक का पी अभी देखेंगे फिफ्टी के पी पे स्टॉक अभी चल रहा है और यहाँ पे यहाँ पे इस हिसाब से अगर हम देखेंगे इसका जो लाइफ टाइम हाई है यहाँ पे ग्यारह सौ स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 767 और जो फाइनेंशियल कंपनी होता है जो बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनी होता है उसका डेट टू इक्विट रेशियो को हमें देखना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये मार्जिन जनरेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट लेते हैं और डिपॉजिट को ये फिर वहाँ पर लोन के हिसाब से दे फिर यहाँ पर मार्जिन जनरेट करते हैं ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे डेट टू इक्विट रेशियो यहाँ पर हमें नहीं देखना चाहिए इसी हिसाब से अगर हम जाके देखते हैं यहाँ पर इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं और सेल्स देखते हैं यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है तो अगर हम सेल्स देखते हैं यहाँ पे 2889 करोड़ का सेल्स जो रेवेन्यू देखने को मिला है जो कि दिसंबर लास्ट दिसंबर का क्वार्टर में यहाँ पर टू थाउजेंड करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल रहा था अगर हम यहाँ पे सेप्टेंबर का क्वार्टर में देखते हैं इसी हिसाब से टू करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला था यहाँ पे रेवेन्यू के हिसाब से तो हमेशा ग्रोइंग होते जा रहा है इसमें कोई हमें बिल्कुल शक नहीं है तो इस हिसाब से सा अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे थ्री एट्टी सिक्स करोड़ का प्रॉफिट है जो कि दिसंबर क्वार्टर में अभी निकल करके आया है अगर लास्ट दिसंबर में देखते हैं यहाँ पे टू टेन करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफ़िट है नेट प्रॉफिट में तो बहुत बढ़िया सा नज़र आ रहा है तो इस हिसाब से हाइएस्ट रेवेन्यू भी पोस्ट किया है ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है स्टॉक में अगर हम देखते हैं इसका लास्ट चार क्वार्टर का अगर प्रॉफिट भी देखते हैं बारह करोड़ का प्रॉफिट भी है अगर इसी हिसाब से सा लास्ट चार क्वार्टर चार क्वार्टर में अगर रेवेन्यू भी देखते हैं यहाँ पे दस हज़ार एक सौ सैंतालीस करोड़ का रेवेन्यू भी है तो यहाँ पे हाईएस्ट रेवेन्यू भी पोस्ट किया और है और हाईएस्ट प्रॉफिट है यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी है तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट जाके देखते हैं यहाँ पे रिजर्व तो रिजर्व में सिक्स थाउजेंड फोर्टी सिक्स करोड़ का रिजर्व यहाँ पे शो हो रहा है जो कि सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन को इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे प्रोमोटर का होल्डिंग यहाँ पर प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए जो कि सिक्सटी का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे एफआई के पास में टेन पॉइंट टू एट परसेंटेज का होल्डिंग है यहाँ पे डीआई के पास में इलेवन पॉइंट नाइन टू परसेंटेज का होल्डिंग है और यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे पब्लिक के पास में ओनली एट थ्री परसेंटेज का पब्लिक के पास में होल्डिंग है उसमें अगर एट थ्री परसेंटेज का अगर थ्री परसेंट को निकाल देंगे ओनली फाइव परसेंट पब्लिक के पास में होल्डिंग है जो कि ये बहुत बड़ा मल्टीपैगर स्टॉक है अभी भी फ्रेंड्स में बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में गिरावट चल रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्टॉक को इमिडिएटली आपको सेल करके निकल जाना चाहिए क्योंकि अगर आपने कोई एक अच्छा सा स्टॉक को क्वालिटी स्टॉक को आपने होल्ड किया ना तो वहाँ पे हो सकता है ग्लोबल की रीजन की वजह से स्टॉक में गिरावट हो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इमिडिएटली आपको निकल देना चाहिए अपना पोर्टफोलियो में से ठीक है तो इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स इसी हिसाब से अगर हम जाके यहाँ पे देखते हैं इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या बताता है अगर इसी हिसाब से हम जाके देखते हैं ये बहुत बढ़िया सा बिज़नेस है जो कि क्रेडिट कार्ड के बिजनेस है और डिजिटल पेमेंट का बिजनेस है तो इसी हिसाब से बहुत बढ़िया सा ग्रोथ आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है ठीक है तो अगर इसी हिसाब से अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखते हैं फ्रेंड्स इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाने के बाद में स्टॉक यहाँ पे काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है और ये तो इस लेवल पे आ चुका है जब जबकि यहाँ पे आईपीओ का लेवल था ठीक है ना तो जिस टाइम पे आईपीओ आया था उस टाइम का लेवल था यही लेवल है इस लेवल पे बिल्कुल आ चुका है तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में जिन्होंने दो साल से अभी इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक में रखे हुए हैं उनको जरूर अभी निराश हो रहे होंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कभी कभी स्टॉक मार्केट में ऐसा होना पड़ता है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है एक एक साल में हमें हंड्रेड परसेंट का रिटर्न मिलता है कोविड से पहले प्री कोविड से पहले आपने जरूर देखा होगा जब कोविड से पहले जिसने बाय किया होगा कोविड के बाद में किस हिसाब से तेजी देखने को मिला है कि कुछ स्टॉक तो ऐसा दो दो तीन तीन चार तीन तीन चार गुना हो चुका था ठीक है तो इसी हिसाब से ये अगर क्वालिटी स्टॉक तो है ज़रूर इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इसी हिसाब से सा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा सपोर्ट बनकर के आता है फ्रेंड्स इसी हिसाब से सा अगर हम देखेंगे तो ये एक मेजर सपोर्ट था ठीक है ये सपोर्ट को ऑलरेडी सपोर्ट के पास में चल रहा है ये सपोर्ट मुझे लगता नहीं यहाँ पे रुकेगा यहाँ से बिल्कुल ब्रेक भी हो सकता है ऐसे कोई भी गारंटी नहीं कि ये सपोर्ट के पास में रुक सकता है ठीक है ऐसा बिल्कुल भी गारंटी नहीं है ठीक है अगर यहाँ से रुकता है यहाँ पर अगर गिरता है स्टॉक तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है इसका ये लेवल तक जरूर अगर यहाँ से काफ़ी वीकनेस देखने को मिलता है ग्लोबल मार्केट में तो फिर ये स्टॉक ये जो लेवल है ये मेजर सपोर्ट लेवल को बिल्कुल आ सकता है ठीक है जो कि 500 का लेवल है ठीक है लेकिन मुझे लगता है ये लेवल तो बहुत दूर की बात है यहाँ तक आना इतना इजी नहीं है लेकिन अगर ग्लोबल सेंटीमेंट के वजह से अगर आ सकता है तो आ सकता है ठीक है तो लेकिन अगर हम इसी हिसाब से देखेंगे कितना परसेंटेज का गिरावट देखने को मिल सकता है अगर हेवी फॉल आता है मार्केट में तो फिर यहाँ तक का आ सकता है नहीं तो यहाँ तक इतना ईजी नहीं आने वाला है ठीक है अगर इस लेवल पे हमें बाय करना है जो ये जो लेवल है ये बहुत बढ़िया सा लेवल है इस हिसाब से अगर हम स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे भी और भी फॉल आ सकता है तो ऐसा एक काम कर सकते हैं आप इसमें से आपको जितना स्टॉक लेना था इसमें से सपोज आपको दस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना था या दस स्टॉक को स्विंग ट्रेड के लिए ले लेना था तो ये दस स्टॉक लेके चलिए और आपका जो सरप्लस मनी है उसको अपने पास में रखिए जब यहाँ से 10-15 परसेंट का फॉल आएगा उसके बाद में आप बाय करके चल सकते हैं इससे देखा जाए तो एग्जैक्टली टॉप एग्जैक्टली बॉटम किसी को नहीं पता ठीक है ना तो इसी हिसाब से अगर हम लेके चलते हैं जो पहला टारगेट है फ्रेंड्स ये पहला टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ये यह लेवल है ये लेवल मुझे लगता है जो कि बढ़िया सा आपको प्रॉफिट दे सकता है ये लेवल पे आपको शॉर्ट टर्म में ये लेवल आपको अचीव हो सकता है जो कि वन थाउजेंड का लेवल है ठीक है अगर इसी हिसाब से वन थाउजेंड का लेवल का हम देखेंगे यहाँ पे कितना परसेंटेज का गेन मिलता है फ्रेंड्स का लेवल तक अगर अपना पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं आपको यहाँ पे थर्टी वन परसेंटेज का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स ठीक है यहाँ पे एक थर्टी वन परसेंटेज का गेन मिल सकता है अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आप इस लेवल को लेके चल सकते हैं जो कि यहाँ पे कई बार स्टॉक ने यहाँ पे कई बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है ठीक जो रेजिस्टेंस लिया है तो इस हिसाब से जो नेक्स्ट लेवल है नेक्स्ट लेवल इलेवन थर्टी फाइव लेवल को भी आप लेके चल सकते हैं अगर वहाँ तक देखते हैं कितना परसेंटेज का गेन आपको मिल सकता है अगर यहाँ से लेवल से लेके अगर वहाँ तक का लेवल के लिए हम पोजिशन बना के चलते हैं फोर्टी का गेन मिल सकता है जो कि इलेवन के लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं तो भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है इसमें कोई भी स्टॉक नहीं है आपको इमिडिएटली लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है मार्केट में पैनिक ज़रूर आता है लेकिन उस टाइम पे हमें होल्ड करना जरूरी है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले बताया तो था एक वीडियो बनाया कि यहाँ पे एजिस लॉजिस्टिक के बारे में देख रहे थे ना एजिस लॉजिस्टिक में किसी हिसाब से भयानक गिरावट आ रहा था लेकिन आज के दिन में आपने देखा ना कि वहाँ पे बड़ी ऐसा तेजी देखने को मिला है ठीक है ऐसे स्टॉक मार्केट में होता रहता है आप पैनिक मत कीजिए बढ़िया सा क्वालिटी स्टॉक में अपना पोर्टफोलियो में रखिए तो आपको बढ़िया सा गेंद देखने को मिल सकता है मार्केट ओवरऑल ऊपर जाने वाला ही है ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से नीचे जरूर आया है लेकिन ओवरऑल ऊपर जाने वाला है उसके लिए हमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई गलत स्टॉक है या तो फिर वीकनेस स्टॉक है कोई एक सही स्टॉक नहीं है तो इमीडिएटली आपके पास में बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो इमीडिएटली आपको स्विच कर लेना चाहिए अच्छा सा स्टॉक में आपको बढ़िया ऐसा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है ठीक है अगर आप मेरे साथ में पर्सनल जुड़ने चाहते हैं व्हाट्सअप में व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर आप मेरे साथ में जरूर जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है तो मुझे ऐसा लग रहा है तो आप अगर स्टॉक में आपका पोर्टफोलियो में तो होल्ड कीजिए क्योंकि स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है इसमें कोई लॉस बुक करने का कोई रीजन नहीं है अगर आप इस कुछ दिन पहले का देखेंगे यहाँ पे कुछ एक आया था यहाँ पे टारगेट अगर आप देखेंगे प्रभुदास के ब्रोकिंग हाउस की तरफ से यहाँ पे जो टारगेट आया था 1162 का टारगेट आया था फरवरी मंथ में ठीक है फरवरी ट्वेंटी को यहाँ पे उनका टारगेट भी आया था अक्यूमलेट करने के लिए बाय करने के लिए लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से यहाँ पे स्टॉक नीचे आया है ठीक है नहीं तो बाकी कुछ रीज़न नहीं है अगर कुछ और एक ब्रोकिंग हाउस का अगर हम देखेंगे यहाँ पे टारगेट के बारे में यहाँ पे आई डायरेक्ट का भी यहाँ पे टारगेट आया था वन थाउजेंड हमने वही वन थाउजेंड का शॉर्ट टर्म का टारगेट लिया है जो कि वन थाउजेंड का टारगेट है तो यहाँ पे आई डायरेक्ट का भी वही टारगेट है जो कि वन थाउजेंड का टारगेट तक स्टॉक जा सकता है ठीक है ओवरऑल ये स्टॉक बहुत अच्छा है तो इस स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना चाहिए अगर आपने बाय नहीं किया तो अभी करंट सिनारियों पे भी बाय करके चल सकते हैं ये टारगेट के लिए रेस्पेक्टिव टारगेट के लिए आप लेके चल सकते हैं आपको बहुत बढ़िया सा मुनाफा मिल सकता है लेकिन पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए फ्रेंड्स पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन भी रखिए और उस हिसाब से क्वालिटी स्टॉक को होल्ड भी कीजिए अगर क्वालिटी स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते हैं स्टॉक मार्केट पर फिर आप गेंद नहीं ले सकते हैं ठीक है ना तो क्वालिटी स्टॉक को आपको होल्ड करना भी आना ही चाहिए ताकि आप आसानी आशा, मतलब बढ़िया सा गेंद स्टॉक मार्केट से आप ले सकते हैं और पेशेंस के साथ में होल्ड करना भी जरूरी है ये कुछ पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा तो ये सब भी और एक अपॉर्चुनिटी है स्विंग ट्रेड में बढ़िया सा गेंद लेने के लिए ये बढ़िया सा स्टॉक है इसमें स्विंग ट्रेड कीजिए बढ़िया सा गेंद मिलेगा ठीक है मार्केट तो ऐसा लग रहा है अभी कुछ दिन के लिए ऐसे ही स्विंग का अपॉर्चुनिटी देगा जो कि स्विंग ट्रेड में बढ़िया सा प्रॉफिट हमें मिल सकता है ठीक है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ में आप यहाँ पे प्ले जरूर विजिट कीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर किए हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट विजिट करके टेक्निकल चार्ट पैटर्न कैसे हम देखते हैं और स्टॉक को सिलेक्शन कैसे करते हैं और जी टी ऑर्डर कैसे लगाते हैं आरएसआई कैसे लगाते हैं ये सब चीज़ यहाँ पे आके जरूर सीख सकते हैं फ्रीली ठीक है तो ये वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नया एक वीडियो में